नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिनभर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट पर कहा कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। वहीं इस पर अब सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलना जारी कर दिया है। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशनड है उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गल्ला रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा? क्या अभी भी संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक लोक भवन में बुलाई गई थी। इस दौरान कैबिनेट में 17 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो यूपी सरकार और NTPC का जॉइंट प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें सोनभद्र के ओबरा में 2 पावर प्लांट स्थापित होंगे। ये यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। आपको बता दें, ओबरा डी के नाम से स्थापित होगा पावर प्लांट और पहला प्लांट 50 महीने में स्थापित होने की संभावना बताई जा रही है। दूसरे प्लांट की 56 महीने में स्थापित होने की संभावना बताई जा रही है। लगभग 18,000 करोड़ की लागत से लगेंगे दोनों प्लांट। विध्वंसनी कॉरिडोर के विस्तारीकरण का प्रस्ताव पास है। सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में पर्यटन विकास बनेगा। पर्यटन विकास के लिए लैंड बैंक चिन्हांकन का प्रस्ताव पास है। हाथरस में जेल निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। जेल निर्माण के लिए 184,94,00,000 राशि दी गई है। TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ के स्थापना के संबंध में प्रस्ताव है। 2 बिजली प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश में 800 MVA के 2 बिजली प्लांट लगेंगे। तो यूपी सरकार और NTPC का जॉइंट प्रोजेक्ट होगा।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में नए दलों के जुड़ने पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ यानी एनडीए में नए दलों के शामिल होने की चर्चा काफी जोरों पर है। पहले सुवासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट में आरएलडी का भी नाम जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस टीएमसी समेत कई विरोधी दलों पर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। संबित पात्रा पर राहुल पर निशाना है ये। जिस भूमि से कभी वंदे मातरम के शब्द उपजे थे, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसी भूमि में थैंक्स टू टीएमसी जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं। लगभग 45 लोगों की हत्या की जा चुकी है। आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर, वो शब्द है फायरिंग, गोलीबारी, बॉम्बिंग, बमबारी, बोगस वोटिंग, रिगिंग, मत पेटियों का जलाना, मत पेटियों को फेंकना। कोई तालाब में फेंक रहा है मत पेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है। टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यतन में लगी है। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह सब सम्मिलित हैं। कि अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महाठगबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। राहुल जी कहां है आपका? आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी टीएमसी के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए और कांग्रेस के नेता खुद बंगाल में कहे कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उस पे भी राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी। यह दर्शाता है कि इन लोगों का एंबिशन कितना बड़ा है। यह लोग डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए देख सकते हैं, मगर अपने एंबिशन की हत्या होते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को लुटते हुए नहीं देख सकते। गाजियाबाद में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद जांच में धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड 10 साल पूर्व एएमयू से बीडीएस की पढ़ाई करने वाला हिंदू छात्र सौरभ निकला, जिसने 10 साल पहले एएमयू के हादी हसन हॉस्टल में रहते हुए धर्मांतरण किया था। एएमयू के हॉस्टल में कराए गए धर्मांतरण के बाद उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया था और हिंदू छात्र सौरभ आज धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला बन गया। तो वहीं एएमयू के पूर्व बीडीएस छात्र और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ने जमात गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए एएमयू को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जमाती गतिविधियों को लेकर सवालिया निशान खड़े करने वाले पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर निशीत शर्मा ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए एएमयू के हॉस्टल में होने वाली जमात गतिविधियों को लेकर जांच कराते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय में तैनात नवीन पाल को हनी ट्रैप में एक महिला जाल में फंसाकर उससे गोपनीय दस्तावेज मांग लिए। नवीन जिस महिला को कोलकाता का अंजलि समझकर उसको दस्तावेज भेज रहा था, दरअसल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि वो आईएसआई की कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकती है।
यही नहीं, उसने नवीन पटेल से जानकारी लेने के लिए 85,000 रुपए भी दिए। पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिनभर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। मॉनसून सीजन शुरू होते ही आसमान से बरसने वाली बारिश उत्तराखंड के लिए आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है। राज्य में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी के दावे जरूर कर रही है, लेकिन विपक्ष है कि हो रही है, देखते हुए जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट हमारे चप्पल अधिकारण सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, उसके बावजूद सभी को कहा गया है कि इसमें से एक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है, तत्काल जो है राहत कार्य और जो जरूरत चीजें हैं वहाँ लोगों तक पहुँचने सहायता कर सकते। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट था और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें IMD के द्वारा दी गई थी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी। अदरवाइज़ हमने उसके अलावा भी जहां ऑरेंज अलर्ट था वहां से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। सारे DM को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। कल जो बारिश हुई है वो एक कह सकते हैं कि इनिशियल था। आज जो बारिश होगी उससे हम आशंका ये है कि डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। NDRF हो, SDRF हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स, हमने चार धाम के लिए सेक्टर ऑफिसर से बनाए थे जो भी अपने अपने कार्यों में लगे हुए। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस को आपदा में अपने लिए सियासी अवसर दिख रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य में आपदा से निपटने के लिए सरकार और विभाग ने जो दावे किए थे उन सभी की पोल खुल चुकी है, जबकि BJP संगठन अभी भी राज्य सरकार की तैयारियों को पुख्ता बताने का दावा कर रही है। देखिए, नई सरकार बिल्कुल दैवीय आपदा के प्रति लापरवाह रही है, कभी गंभीर नहीं रही है। उसका नतीजा आप देख लीजिए, देहरादून महानगर है, हरिद्वार महानगर है, किस तरीके से जलभराव हुआ है। रुद्रपुर का इलाका देख लीजिए, हल्द्वानी देख लीजिए। देहरादून में तो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, 1600 करोड़ के लगभग के काम कह रहे हैं, वो दिख रहे हैं आपको कहाँ काम हो रहे हैं, क्या काम इन्होंने किया, किस तरह से लिपापोती कर रहे हैं, किस तरह से जलभराव हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में सारे मार्ग बंद हैं, कम से कम 400 सड़कें बंद हैं, पूरे प्रदेश की 400 सड़कें बंद हैं, लोगों का आवागमन बंद हो गया, लोगों को चिकित्सा समय पर नहीं मिल रही है, पेयजल की अव्यवस्था हो गई है। पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा की प्रति सरकार की उत्तरदायित्व की पोल खुल के रख गई है। निश्चित रूप से बिल्कुल सरकार ने जो है पूरी तरह से तैयारियां की हैं मौसम को देखकर। जैसे मौसम विभाग ने पूरा जो पूर्वानुमान के अनुसार जो रेड अलर्ट जो हमने जारी किया है, सरकार ने भी जारी किया है, मौसम विभाग ने पहले से ही सूचना इसकी दे दी थी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपदा जो कंट्रोल रूम है उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ में जो हमारी आपदा प्रबंधन टीम है और जो जिला प्रशासन और साथ में हमारा
पूरा जो पूरी एक पुलिस प्रशासन पूरी जो टीम है जो उनको संसाधनों के साथ 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहने को कहा है। उत्तराखंड में मानसून सीजन सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग के लिए हमेशा ही चुनौतियों का पहाड़ सरीखे है, लेकिन अभी तक ना तो सरकार इस तंत्र को मजबूत बना पाई और ना ही कभी सरकार की तरफ से इस दिशा में वक्त रहते कोई ठोस कदम उठाए गए। ऐसे में उत्तराखंड की आवाम मानसून सीजन में अपने आप को भगवान भरोसे ही मानती है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में नए दलों के जुड़ने का चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम चर्चाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात लखनऊ में मंगलवार को ही। मुलाकात के बाद फिर से गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। झगड़ा है, अब वो आपस में सुलझेंगे, जो कुछ भी तय होगा ठीक है। और मैं समझता हूँ इससे वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और दूसरे ये कि समाजवादी का जहाँ ताल्लुक है, समाजवादी पर राजभर जो कह रहे हैं कि समाजवादी अपनी जगह है, उसका टूट फूटने का कोई ताल्लुक नहीं है। और समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। तो समाजवादी का जो फैसला होगा वो अपनी के लिए नमस्कार।